तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा और लेस का ऑमलेट। तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा खाने में। कैसे बनेगा तो सब चीज़ हम वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा किस टाइप का बनेगा, किस तरह लगेगा खाने में, सब चीज़ हम दिखाएंगे। और इसके पर हम ऐड करने के लिए प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्चा कैसे हम करेंगे तो वीडियो में देखते रहिए तब समझ में आएगा। आधा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। कब आ गए? तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा चिप्स का ऑमलेट। तो कैसे बनता है देखिए, दो पीस हम अंडा लिए हैं, ये लेस है जो बच्चे लोग खाते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। खा के हम ट्राई किए हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, हर चीज़ हम खा के ट्राई करते हुए बताते हैं। तो वीडियो में बने हुए रहे, कैसे क्या बनेगा, क्या हम कैसे बनाएंगे सब इस वीडियो में बताएंगे, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल सके। तो उसके पहले हम बता दें, प्याज लिए हैं छोटे छोटे पीस काट लिए, टमाटर लिए हैं, धनिया के पत्ते, मिर्चा लिए हैं अपना तीता अनुसार। तो कैसे बनेगा तो सब चीज़ हम वीडियो में बताएंगे, वीडियो में पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। एकदम सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है, आप लोग घर में बना के खा सकते। नॉर्मली आप लोग ऑमलेट खाते होंगे तो इसमें हटकर हम थोड़ा बताएंगे, तो वीडियो में बने हुए रहिए। वीडियो में हमारा एक गिलास है, अब इसी गिलास में हमको ये अंडा को ऐसे तोड़ना है, देखिएगा तभी समझ में आए। तो इस अंडा को हम इस तरह से डाल लिए, तो दूसरा अंडा हम ले लिए, देखिए दूसरे अंडा को भी डाल दिए, इसमें नमक अपना डाल दिए स्वाद अनुसार। तो देखिए हम नमक लिए हैं, तो नमक को भी डाल दिए इसमें, तो नमक को डाल दिए। ये चिप्स है, आप लोग देखते होंगे चिप्स है, इसे हम फाड़ देते हैं। ये आपको छोटा छोटा टुकड़ा में आपको करना है, देखिए चिप्स है, ये टुकड़ा में ऐसे से आपको चूर लेना है इसको, इस तरह से हम चूर रहे हैं। तो देखिए हम चूर लिए, अच्छा सा चूर लेना है, देखिए ज़्यादा नहीं, महीन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसमें ऐड कर दीजिए ये अंडा में, देखिए हम ऐड कर दिए, और इसे आप घोल लीजिए। जिस तरह से ऑमलेट बनाते हैं उसी टाइप का को बनाना है। तो देखिए हम घोल लिए, अब इसे हम तावा में देंगे, तो आपको तावा ये, अब इसे हम गैस ऑन कर लेते हैं। तो हम गैस को ऑन करते हैं, वीडियो में बने हुए रहिए। वीडियो में हमारा एक गिलास है, अब इसी गिलास में हमको ये अंडा को ऐसे तोड़ना है, देखिएगा तभी समझ में आए। तो इस अंडा को हम इस तरह से डाल लिए, तो दूसरा अंडा हम ले लिए, देखिए दूसरे अंडा को भी डाल दिए, इसमें नमक अपना डाल दिए स्वाद अनुसार। तो देखिए हम नमक लिए हैं, तो नमक को भी डाल दिए इसमें, तो नमक को डाल दिए। ये चिप्स है, आप लोग देखते होंगे चिप्स है, इसे हम फाड़ देते हैं। ये आपको छोटा छोटा टुकड़ा में आपको करना है, देखिए चिप्स है, तो ये टुकड़ा में ऐसे से आपको चूर लेना है इसको, इस तरह से हम चूर रहे हैं। तो देखिए हम चूर लिए, अच्छा सा चूर लेना है, देखिए ज़्यादा नहीं, महीन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसमें ऐड कर दीजिए ये अंडा में, देखिए हम ऐड कर दिए, और इसे आप घोल लीजिए। जिस तरह से ऑमलेट बनाते हैं उसी टाइप का को बनाना है। तो देखिए हम घोल लिए, अब इसे हम तावा में देंगे, तो आपको तावा ये, अब इसे हम गैस ऑन कर लेते हैं। तो हम गैस को ऑन करते हैं, वीडियो में बने हुए रहिए। चढ़ा चुके हैं, इसे गर्म होने देते हैं, इसको तेल को या बटर ये हो या रिफाइन हो कुछ भी घर में हो, इस तरह से चारों कोना इसको लगा दीजिए, ये नहीं एक ही जगह आपको देना है, चारों कोना अच्छा से इसको मिला दीजिए आप। देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं, आप वीडियो में बने हुए रहिए, देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम किस तरह से चारों कोने कोने हम लगा लिए ताकि अच्छा से ये हो जाए। देखिए इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, ताकि गर्म होगा तब हम डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कैसा लगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ पर चाहिए तो वो भी बताइएगा। तवा गरम हो चुका है, अब इसको हम ऐड करते हैं। देखिए पूरा आपको गोले गोले आपको कर लेना है, देखिए धीमा लो फ्लेम पर करना है, देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं, देखिए
इस तरह से आपको पूरा पसार लेना है अंडा को अपना। छोटा तावा रहेगा तो छोटा जैसा, बड़ा तावा रहेगा तो बड़ा जैसा। तो देखिए हम किस तरह से किए, इसको हम अच्छा से मिला दिए हैं। अब इसे 2 मिनट तक इसे ढक देते हैं ताकि अंदर का ये सिज जाए। तो हम 2 मिनट इसे ढक देते हैं और धीमा आंच पर इसको छोड़ देते हैं। वीडियो में बने हुए रहिए। क्यों उतार लिए हैं, देखिए किस तरह से सब छूटने लगा, क्योंकि तेल को हो चुका है। देखिए किस तरह से छूट रहा है, कहीं भी सटा नहीं है। तो इसी टाइप का इसके ऊपर हम क्या ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा हम ओनियन हम ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देते हैं, छोटे छोटे बारीक काटे हुए हैं, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं। देखिए धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मिर्चा अपना स्वाद अनुसार, तीता नहीं खाने का मन तो नहीं ऐड करिए, थोड़ा सा और प्याज ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए खाने में कितना स्वादिष्ट लगे, दिखे ना हमें स्वादिष्ट लग रहा है। तो एक बार जरूर आप लोग ट्राई करें। और थोड़ा सा जो चूरन था चिप्स का, थोड़ा सा इसमें और ऊपर से ऐड कर दिए। अब इसे हम पलटते हैं तो वीडियो देखिए इस तरह से पूरा छूट गया है, कोई भी सटने का सामना नहीं है। देखिए तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। देखिए हम किस तरह से पलट रहे हैं, उसी टाइप के आपको पलटना है। देखिए कितना अच्छा लगा, तो कहीं टूटा नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरा आपको सट जाएगा। अब आपको मैंने थोड़ा सा इधर भी आप ऐड कर दीजिए प्याज, ताकि दोनों तरफ स्वाद बढ़ जाए। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, और थोड़ा सा चिप्स जो टूटा हुआ था, तो जो चूर था थोड़ा सा बगल में ऐड किए थे, इसको आप पूरा ऐड कर दीजिए। बच्चे आपको खाकर बच्चे बहुत खुश होंगे। आप लोग शाम का नाश्ता सिंपल बना सकते हैं, तो कैसा बनाए कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। तो इसे आप थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा 2 मिनट तक सेकने दीजिए। तो कल का वीडियो बहुत झकास होने वाला है, कल इससे भी झकास वीडियो आने वाला है। तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए किस तरह से सेक रहे हैं। देखिए तेल को कोने कोने देना है, तो देखिए तेल को कोने कोने में दिए। देखिए इधर भी दाग हो चुका है, तो वीडियो में बने हुए रहिए। हो चुका, देखिए देखने में कितना अच्छा। थोड़ा सा आपको लाइट नहीं आता होगा, क्या कि लाइन कट गया, इन्वर्टर से एक बत्ती जल रहा है। तो देखिए कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग घर में सिंपल तरीका से बच्चे को आप मन खुश कर सकते हैं, आप लोग भी खा सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, अच्छा लगा कि खराब लगा, जो भी लगा आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल इससे अच्छा वीडियो लाएगा, झकास वीडियो आएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।